अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सब जी? प्लीज़ अगर किसी को सही से समझ ना आ रहा हो या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो टुडेज लेक्चर इज बेसिकली अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल इंटरेस्ट इन द टॉपिक, हम कुछ सेलिब्रिटीज की फोटोज लिखेंगे, ठीक है, हु हैव बीन इन्फेक्टेड विद दिस बैक्टीरियम इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। एंड एज यू ऑल नो दैट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही हैड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड which was not cured till the end of his life. Okay, so he died of it. Second famous personality is John Keats. मेरे ख्याल आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा अबाउट द फेमस पोएट. ओके, ही ऑल्सो डेवेलप्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस. एंड थर्ड आई वुड लाइक टू शेयर द फेमस मूवी स्टार अमिताभ बच्चन. ही ऑल्सो डेवेलप्ड ट्यूबरक्यूलोसिस बट ही इज अ सर्वाइवर and it was liver tuberculosis. ठीक है, तो दिस वॉज जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल इंटरेस्ट इन द टॉपिक कि हम जो बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं आज, इट हैज़ इन्फेक्टेड अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सम पीपल वर एबल टू सर्वाइव, जो कि ऐसे टाइम पे इसका शिकार हुए जिस वक्त एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइन अवेलेबल थी और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा करवाया. Okay, so let's get back to the lecture. So mycobacterium tuberculosis is basically long slender non-motile rods which are stained by specific dyes and not by the typical dyes that we use in the gram staining. उससे ये stain नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि इनका जो structure है, जो इनका cell wall है, उसके composition आम bacteria से कुछ different है. और रादर इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो वैक्सीज का है, जिसकी वजह से ये जो वैक्सी लेयर है माइकोलिक एसिड्स की, ये जो है ना यूजुअल स्टेन्स जो ग्राम स्टेनिंग के हैं या जो वाटर बेस्ड स्टेन्स हैं, ये उनको अपटेक नहीं करते. ठीक है, सो वी हैव स्पेशल मैकेनिज्म्स जिनके जरिए हमने इनको स्टेन करना होता है टू विजुलाइज अंडर द माइक्रोस्कोप एंड टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया इन अ सैम्पल विच इज डिराइव फ्रॉम द पेशेंट. ठीक है, सो आई थिंक के माइक्रोबायोलॉजी लैब में आप लोगों ने स्टेनिंग प्रोसीजर्स कर लिए हुए. ग्राम स्टेनिंग तो आपने डेफिनेटली कर ली हुई. आई थिंक आप लोगों ने ZN स्टेनिंग या ZEAL लेसन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग भी की होगी. अगर आपने नहीं की है तो एज सून एज दिस पेंडेमिक कम्स टू एन एंड एंड वी रिज्यूम द रूटीन क्लासेस, वी विल हैव अ यस ओके. आप लोगों ने कर ली हुई है. ठीक है, सो एग्जैक्ट स्टेप्स तो आपको भी याद नहीं होंगे क्योंकि वो तो रिपीटेड प्रैक्टिस से याद होते हैं, लेकिन हम एक चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ग्राम स्टेनिंग क्यों एप्लीकेबल नहीं है और एसिड फास्ट स्टेनिंग या ZEAL लेसन स्टेनिंग क्यों एप्लीकेबल है. सबसे पहली बात तो ये है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का मतलब क्या है. वट डू वी एक्चुअली मीन जब हम कह रहे हैं कि कोई भी बैक्टीरिया एसिड फास्ट है? इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी स्टेन है, जो कि इस केस में कार्बोल फ्यूशन होता है, ठीक है, इसको ये इतनी जल्दी अपटेक कर लेते हैं या इतनी अच्छे तरीके से अपटेक कर लेते हैं, एसिड फास्ट है, ठीक है ना, सो इसको अपटेक कर लेते हैं कि जब हम डीकलराइजर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास इनके केस में इथेनॉल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, तो जब हम डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता
because the uptake of the stains is so good by these bacteria, but not every stain. जब हम gram staining की बात करते हैं तो gram staining पे ये कोई result नहीं देंगे, ठीक है? So most of the times we are not going to say कि ये gram positive है या gram negative है. ये gram staining से stain होते ही नहीं है. इसीलिए अगर मैं आपसे कहीं पे पूछूं कि mycobacterium tuberculosis gram staining पे क्या result देगा, तो आपने उसका answer यही देना है कि they are poorly stained by gram stain. ये कोई result नहीं देंगे. इसीलिए इनके लिए specific staining apply की जाती है. मोस्टली बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि ये लिख देते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है. दीज आर नॉट ग्राम नेगेटिव, ठीक है? ग्राम स्टेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल हियर. इनको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग या ज़ील लेसन स्टेनिंग से स्टेन करते हैं. ओके, सो व्हाई इज दिस? बिकॉज इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो अनयूजुअल हैं. इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, माइकोलिक एसिड्स हैं, जो एक वैक्सी लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्राम स्टेनिंग एप्लीकेबल नहीं होती. माइकोलिक एसिड अलॉन्ग विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टाइड्स, इट क्रिएट्स अ वैक्सी लेयर ऑन द सर्फेस दैट मेक्स माइकोबैक्टीरिया स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक एंड एसिड फास्ट. अच्छा, अब ये जो सेल वॉल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना एनवायरमेंट में भी इतना आसान नहीं है, ठीक है? अच्छा, और एक और बात ये है कि जो इनकी रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो उसमें एक रोल इसका भी है, बिकॉज दे आर नॉट इजिली डिस्ट्रॉयड, ठीक है? सो दे विल रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है? सो इफ वी हैव टू डिस्ट्रॉय देम, देन वी शुड हैव प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट्स जिनकी मदद से इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके. अदरवाइज दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट एंड री इन्फेक्ट और इन्फेक्ट अदर पर्सन्स इन द सेम एनवायरमेंट. So, Mycobacterium tuberculosis is basically obligate aerobe. Okay, इसका क्या मतलब है? They're strict aerobes. यानी in the presence of oxygen या high concentration of oxygen ही survive करेंगे in the highly oxygenated tissues. अब सबसे highly oxygenated tissue कौन सा होगा? Upper lobe of the lung, ठीक है? और इसके अलावा part of kidney. Okay. सो अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अगेन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें से हमें क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में, वो हमने कर लिया कि व्हाट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग और क्यों एसिड फास्ट स्टेन होते हैं, ग्राम स्टेनिंग से क्यों स्टेन नहीं होते. नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम. ये हम अभी बच्चे मायरा हम अभी ये आगे डिस्कस करेंगे. मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ठीक है? वी हैव जस्ट स्टार्टेड. सो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें आपने ये चार चीजें हैं, चार कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है. जब भी आपसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का स्ट्रक्चर या इसके विरलेंस फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो दे आर फोर इन नंबर, ठीक है? अपनी बुक पे मार्क कर लें इसको कि ये चार कौन कौन से हैं जो आपने आंसर में बताने हैं. नंबर वन इज माइकोलिक एसिड, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं. C78 कार्बन नंबर 78 से लेके 90 तक वेरी करता है, ठीक है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, कॉल्ड माइकोलिक एसिड्स इन द सेल वॉल. सेकंड है कॉड फैक्टर. कॉड फैक्टर का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है ट्रेहलोज डाइमाइकोलेट. ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये क्या चीज है? ये ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल है जो सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है? अच्छा, और प्राइमरीली ये लिपिड्स जो सेल वॉल की एक्सटीरियर पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो कॉड फैक्टर है, ये बेसिकली क्या करता है? ये इनकी अरेंजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है इनटू लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर्म्स, गिविंग इट्स नेम एंड कोरिलेटेड विद द विरलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अच्छा, ये तो दो कंपोनेंट्स हो गए. पहला कंपोनेंट क्या है जो मैंने आपको बताया? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है. सेकेंड है कॉड फैक्टर, जिसका प्रॉपर एक नाम है, क्या है? ट्रेहलोज डाइमाइकोलेट. थर्ड आपके पास जो कंपोनेंट है वो माइकोबैक्टीरियम की प्रोटीन्स हैं, ठीक है? ये प्रोटीन्स जो है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि दे एक्ट एज प्रॉपर एंटीजन्स, ठीक है? जब इनको प्योरिफाइड फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स, ठीक है? जब कुछ वैक्सीन के साथ ये कंबाइन करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं. अभी हमने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? बेसिकली दीज आर द एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पर्टिकुलर एंटीजन. और ये रिएक्शंस चार टाइप के होते हैं.
इसमें से जो टाइप फोर रिएक्शंस हैं उनको हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बाकी सारे रिएक्शंस हम अभी नहीं पढ़ रहे, डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे कि जब ये एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ऑलमोस्ट आफ्टर 48 to 72 hours बॉडी में कुछ रिएक्शन अगर ये प्रोड्यूस करता है that would be delayed type hypersensitivity or type 4 hypersensitivity जो कि cell mediated immunity है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने immunity का unit start ही नहीं किया इसलिए इसके बहुत ज़्यादा detail शायद इस time पे हम discuss ना करें, हम इनको further जो हमारे immunology के lectures हैं उसमें detail से पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर एक ये discussion भी करेंगे mycobacterium के हिसाब से भी कि आपने delayed type hypersensitivity में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। So these proteins are basically antigens in the purified protein derivative skin test. Mycobacterium tuberculosis की जो proteins हैं, ये इनकी जो purified form है, इनको हम skin में inject करते हैं, ठीक है? और फिर हमने उस reaction को vernier caliper की मदद से, जो भी swelling हो, उसकी measurements लेनी होती हैं और उसको हमने further interpret करना होता है कि ये क्या indicate कर रही है, ठीक है? ओके, इस टेस्ट के दो नाम हैं, इसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं और इसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहते हैं। यस, द पीपल हु हैव दिस टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी मे बी इम्यूनो डेफिशिएंट। ठीक है, स्पेसिफिकली टाइप फोर हाइपरसेंसिटिविटी की बात करें हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की बात करें, यस दिस अकर्स इन द पर्सन जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। सो अ लिपिड लोकेटेड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल कॉल्ड थिकोसिरोल डायमाइकोसिरोसेट, ठीक है, ये भी नाम आपने याद रखना है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर पैथोजेनेसिस इन द लंग। तो ये चार कंपोनेंट हो गए। अब हमने पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े थे, पहले हमने पढ़ा था लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फिर हमने कॉड फैक्टर पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स हैं ये प्यूरिफाइड फॉर्म में एज एंटीजन एक्ट करती हैं जो बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, और फिर हमने उसके बाद लास्ट ये पढ़ा है थिकोसिरोल। ठीक है, तो ये चार कॉम्पोनेंट्स जब भी आपसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के विरलेंस फैक्टर्स पूछे जाएंगे या स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स पूछे जाएंगे या यूनिक स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स पूछे जाएंगे तो आपने ये चार अपने आंसर में लिखने हैं। बुक में इनको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बुक में अलग अलग नंबरिंग करके नहीं बताए हुए, ठीक है, ऑल्दो लिखे हुए हैं लेविंसन में, ये चारों कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं जहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, वहां पे इसके चारों विलेंस फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर नंबरिंग आपने खुद करनी है और चारों को आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये एक पिक्चर है ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि ये जो माइकोलिक एसिड लेयर है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम, ठीक है, एंड माइकोलिक एसिड की लेयर के नीचे जो सेकेंड लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन है। सो पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जस्ट लाइक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिनमें दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन वेरी करता है कि ये थिकनेस किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। तो इसमें भी आप देख लें कि ग्राम नेगेटिव में जो है वो उसकी लोकेशन डिफरेंट है, थिन होती है, इंटरनल होती है, उसके बाहर लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। इसी तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में भी ये लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की प्रेजेंट है, लेकिन इट इज कवर्ड बाय द माइकोलिक एसिड लेयर ऑन द एक्सटर्नल साइड, ठीक है। सेकेंड, ये जो प्रोटीन है जिसको हम यूज करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये इसके सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये सारा, ये इसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ठीक है। ऑल्दो वी आर यूजुअली नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, जब हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे क्वेश्चन आएगा इसका चांस कम है कि आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, लेकिन आपके जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 2
ऑफ द जनरल बैक्टीरियोलॉजी, जहां पे आपको ये बताया हुआ है कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, वहां पे कंपैरिजन के डायग्राम में इसके साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की डायग्राम भी बनाई हुई है, जो कि आपको ये बता रही है कि ये एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए इसे ये यूज की जाती है, इसके ऊपर यूज की जाती है स्टेनिंग। तो वहां पे आपसे ये कहा जा सकता है कि कंपैरिजन में आप तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करें, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एसिड फास्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने याद रखना है। ओके, वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ फेयरली कॉमन डिजीज। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तकरीबन 30 मिलियन लोग जो हैं उनमें ये डिजीज एक्टिव है। एशिया और अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा कॉमन है। अच्छा, अब एक और बात इसमें याद रखिएगा कि पिछले कुछ सालों में जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये भी पता चलाया गया है कि जो HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है, जैसे कि अभी मायरा ने गालिबन क्वेश्चन पूछा था या जिसने भी पूछा था कि इन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब हो तो वो लो इम्यूनिटी की वजह से ही हो, लेकिन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसमें तो लाजमी इम्यूनिटी लो ही होगी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसी ड्रग से भी हो सकते हैं, किसी खाने की चीज से भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लो इम्यूनिटी भी है। ओके, सो HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज को इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, दिस कैन बी एन MCQ के कौन से ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो तो साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का 50% ऑफ केसेस में होता ही है। एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम ऑब्वियसली मोर्टेलिटी विल बी हाई। ओके, सो अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कैसे ट्रांसमिट होती है, पेशेंट्स जिन लोगों में एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है या एक्टिव इन्फेक्शन है, वो जब कॉफ करते हैं तो एरोसोल्स क्रिएट होते हैं और इन एरोसोल्स के अंदर बैक्टीरिया की लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस टू द डेसिकेशन, इसमें क्या है कि चूंकि ये इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते, सो दे रिमेन वायबल एज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई सस्पेंडेड इन द रूम एयर फॉर ऑलमोस्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, सो ये अगेन ये एक ऐसी चीज आ गई है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दिस हैज बीन नोन फॉर सो मेनी ईयर्स, लेकिन चूंकि कोरोना के केस में इसकी मोर्टेलिटी बहुत जल्दी हो रही थी लोगों की और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा सिवियर थे और बहुत जल्दी सामने आ रहे थे, शायद इस वजह से उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिल गई है कि जो कॉफ एटिकेट पे जोर दिया जा रहा है या मास्क वगैरह पहनने पे जोर दिया जा रहा है। ऑल्दो ट्यूबरक्यूलोसिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस डिजीज और इसमें भी यही प्रिकॉशंस हैं जो हर किसी को लेनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, आपको नहीं पता कि आपका पेशेंट जो आपके पास आया है वो किस किस और डिजीज का भी शिकार है। ठीक है ना, सो आप लोगों का काम चूंकि ओरल कैविटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको हमेशा ही आपके सेटअप में ऐसा होता है कि आप लोग मास्क तो लाजमी पहनते हो, मास्क और ग्लव्स आपने तो ऑलरेडी पहनने होते हैं, लेकिन अब ये कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स में भी इसको कॉमनली प्रैक्टिस में लगाया जा रहा है। सो द प्रिंसिपल मोड ऑफ कंटेजियन इज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बाय इनहेलेशन ऑफ एरोसोल। ठीक है, सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास द ऑर्गेनिज्म टू न्यूमरस पीपल इन एन एक्सपोज ग्रुप। लेट्स से कि एक क्लोज कंपार्टमेंट है जिसमें आप किसी भी शख्स के साथ आप बैठे हुए हैं, वो एक कार भी हो सकती है, इट कैन बी अ बस। ठीक है, या फिर कोई क्लासरूम हो सकता है, कोई हॉस्टल हो सकता है, उसको भी आप एक क्लोज उसमें कर लेते हैं, हॉस्टल का कमरा है। ठीक है, सो देर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू व्हेन यू आर इन अ बस और इन एनी कंपार्टमेंट। ठीक है, सो क्लोज कंपार्टमेंट में हमेशा ये चांस तो होता है कि अगर एक पर्सन को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है और स्पेशली वो इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए से फैलते हैं, कॉफ के जरिए से फैलते हैं, या इवन व्हेन वी टॉक तब भी एरोसोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं तब भी जनरेट होते हैं, जब हम कॉफ करते हैं तब भी जनरेट होते हैं, जब हम स्नीज करते हैं तब भी जनरेट होते हैं। तो जितने लोग उस पर्सन के करीब होंगे वो सब के सब एट रिस्क होंगे कि वो इन्फेक्शन वो गेटअप कर सकते हैं।
ठीक है, सो दिस इज अ पिक्चर जस्ट टू लेट यू नो कि दिस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड दिस इज एन इन्फेक्टेड पर्सन. यहाँ पे आप एक लंग कैविटी भी देख सकते हो, ठीक है, स्नीजिंग एंड कॉफिंग दोनों से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है इन एरोसोल्स के जरिए किसी भी हेल्दी पर्सन से जो सेम एनवायरमेंट में प्रेजेंट है इस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, सो कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं ट्यूबरक्यूलोसिस डेवलप करने के लिए? इसमें बहुत कम इन्फेक्शन, बहुत कम एग्जांपल्स दी हुई है, लेकिन इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं. नंबर वन यहाँ पे लिखा है एचआईवी इन्फेक्शन, डेफिनेटली वो लोग जिनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो है, दे आर एट हाई रिस्क टू डेवलप दिस इन्फेक्शन. फिर वो लोग जो स्मोक करते हैं रेगुलरली, वो लोग जिनकी न्यूट्रिशन कम है, और वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो ये सिर्फ चार कैटेगरीज हैं. इसमें एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो नहीं लिखी हुई वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. ठीक है, बिकॉज वी बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमने पेशेंट्स को डील भी करना है नोइंगली और अननोइंगली. समटाइम्स वो पेशेंट डायग्नोज होता है, समटाइम्स हमें नहीं पता होता. ठीक है, अगर डायग्नोज होगा डेफिनेटली आप सारी प्रिकॉशंस ले लोगे, लेकिन जब अनडायग्नोज्ड है तो आपको नहीं पता. सो एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग योर क्लिनिक उसके लिए आपको ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो किसी भी किस्म के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में या किसी भी किस्म के कंटेजियस इन्फेक्शन में मुबतला हो सकता है. यू डोंट नो द स्टेटस. ओके, सो यू हैव टू टेक योर ओन सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इट इज गुड और इवन बेटर कि आप पेशेंट को इतना एजुकेट कर दें कि जब उसे खांसी आती है या जो ऐसा पेशेंट है जिसको रूटीन बेसिस पे खांसी आ रही है तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो करवाए, अपना मेडिकल हेल्प तो सीख करे, लेकिन अपनी पर्सनल जो मास्क है वो उसको इस्तेमाल करे ताकि दूसरे लोग भी उस डिजीज से एड्रेस ना आए. कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में, जिनके घर में किसी बंदे को ट्यूबरक्यूलोसिस हो. ठीक है, वो जो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट हैं, जो उस घर में उसके साथ रह रहे हैं, जो डेली उसी एनवायरनमेंट से एक्सपोज हैं जहां पे वो कॉफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है. ठीक है, ओके. हॉस्पिटल स्टाफ हैंडलिंग द पेशेंट और हिज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन. ठीक है, दिस शुड बी रिमेम्बर्ड कि जो भी लोग हैं उसमें, चाहे उसमें नर्सेज हैं, चाहे उसमें वार्ड बॉयज हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं जो कि उस पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं या उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को हैंडल कर रहे हैं. पर्सन्स लिविंग इन क्लोज कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. पर्सन्स विद पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड हाई स्ट्रेस लेवल्स. सो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो आपको इतना स्ट्रेस किया जाता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू योर बोर्ड और योर क्लिनिकल, जो भी आपका क्लिनिकल क्लास है उसमें जब आपने जाना है, जब आपने पेशेंट्स चेक करने हैं, स्पेशली तब से तो आपको अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए कि आपने एक हेल्दी डाइट लेनी है और आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, अपनी इम्यूनिटी को खुद लो नहीं होने देना. एंड इफ एट सम स्टेज ऑफ द स्टडीज इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, और एट सम स्टेज जहाँ पे आपने क्लिनिकल भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इवन इफ यू आर नॉट वेल, सो इट इज बेटर टू टेक अ डे ऑफ देन टू कैच एन इन्फेक्शन और टू स्प्रेड एन इन्फेक्शन. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोड्यूसेस नो एक्सोटॉक्सिन्स एंड डज नॉट कंटेन एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल. द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज द लंग. ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया. क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस सर्वाइव्स एंड मल्टीप्लाइज विद इन अ सेल वैक्यूल कॉल्ड द फेगोसोम. सो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो गए, अब ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं. अच्छा, उसमें क्या है, फेगोसोम बनेगा. फेगोसोम, ये जो आपने फेगोसिटोसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा, तो फेगोसोम से फेगोलाइसोसोम बनेगा और उसमें इस बैक्टीरियम को डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए. ठीक है, ऑल्दो इन हेल्दी इंडिविजुअल्स मोस्टली अगर कोई बैक्टीरियम बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो उसका जो फॉलोइंग जो टाइम होता है नेक्स्ट 2 to 4 weeks में, बॉडी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करती है किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन हो उसको क्लियर करने के लिए. ठीक है, बट समटाइम्स वी हैव सम बैक्टीरिया और सम वायरसेस जिनको डिस्ट्रॉय करना बॉडी के लिए इतना ईजी नहीं होता. जैसे कि इसकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि फेगोसोम को फेगोलाइसोसोम बनने से रोक देती हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को ओवरकम कर जाए और बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाए. सो बेसिकली यहाँ पे जो विरुलेंस है ना वो इसी से रिलेटेड है. बैक्टीरिया का होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपने मैकेनिज्म जनरेट करना और उनको यूटिलाइज करना,
कि वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स के जरिए से खुद से डिस्ट्रक्ट ना हो जाए और बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो बेसिकली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो विजिलेंस फैक्टर है या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है सर्वाइवल के लिए, वो यही है कि वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है कि वो डिस्ट्रक्ट ना हो सके। ट्यूबरक्यूल बेसिलाई दे आर इनहेल्ड इनटू एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस बट नॉट किल्ड, ठीक है। इसके मैकेनिज्म हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि दे हैव सर्टेन प्रोटीन्स जो कि डिग्रेडेटिव एंजाइम से इनको प्रोटेक्ट कर लेती है। दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मैक्रोफेजेस and they cause additional macrophages to migrate into the area forming an early tubercle. So क्या होता है कि जब कुछ bacteria है macrophages के अंदर ये repeatedly grow कर रहे हैं, अब macrophage जो है वो एक phagocytic cell है और उसकी भी एक capacity है कि किस हद तक उसके अंदर bacteria multiply कर सकते हैं। So there will be a stage जब ये macrophage जो है इसकी ये capacity exceed कर जाएगी, ये cell rupture हो जाएगा और ये bacteria जो है ये surrounding cells के अंदर फैल जाएंगे विद द सेम मैकेनिज्म। इसी तरह से सेलुलर अपटेक होगा और फिर ये अपने मैकेनिज्म यूज करके अपनी डिस्ट्रक्शन को रोक देंगे और उसी फेगोसोम के अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये जो ट्यूबरकल है ये कैसे बनता है? अब इस एरिया में यहाँ पे फर्दर जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं या फेगोसिटिक सेल्स हैं वो आना शुरू होंगे ताकि वो किसी तरह से इस एरिया में जो भी फॉरन बॉडी या फॉरन पार्टिकल एंटर हो गया है उसको रोक सकें, ठीक है। ये जो अर्ली ट्यूबरकल है इसको हम कहते हैं गॉन फोकस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। व्हाट इज अ गॉन फोकस? इट इज बेसिकली द अर्ली ट्यूबरकल, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स व्हेन मेनी ऑफ द मैक्रोफेजेस डाई एंड रिलीज द ट्यूबरकल बेसिलाई दे फॉर्म अ केशियस सेंटर इन द ट्यूबरकल। अब अपना थोड़ा सा रिकॉल करें इन्फ्लेमेशन का चैप्टर, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ी थी वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। टेकिंग देम एज अ फॉरन पार्टिकल और टेकिंग देम एज अ बैक्टीरियम, ठीक है, जो कि बॉडी को हार्म कर सकता है, इसके तौर पर इसको लेके यहाँ पे एक ग्रैनुलोमा बनना शुरू होगा जिसके सेंटर में केसियस निक्रोसिस है, ठीक है। ये आपने ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हुए हो, ठीक है। तो केसियस नेक्रोसिस जो है वो इसकी चीजी अपेयरेंस होती है, ठीक है। सो जो जब मैक्रोफेजेस जो है ये यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस जो है ये किल होना शुरू होंगे या रप्चर होना शुरू होंगे, तो ये जो मैक्रोफेजेस खत्म हो रहे होंगे ये अपने सिग्नल रिलीज करेंगे जिनकी वजह से फर्दर जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वहां पे फर्दर फेगोसिटिक सेल्स गैदर अप हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे और लिम्फोसाइट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। उसका स्ट्रक्चर हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा आपको, अगर नहीं है तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इन द सेंटर देर इज द चीजी अपेरेंस और द केशियस निक्रोसिस, ठीक है, और इट इज फर्दर सराउंडेड विद द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड द जॉइंट सेल्स, एपिथीलॉइड सेल्स, ठीक है। वो हम इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैच्योर ट्यूबरकल क्या है? इट इज अ इट हैज अ फर्म आउटर लेयर कंटेनिंग द फाइब्रोब्लास्ट। चलो पहले हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं फिर हम देखते हैं मैच्योर कैसे होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक ग्रैनुलोमा का आप कह सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके सेंटर में निक्रोसिस है, ठीक है। कौन सी टाइप की निक्रोसिस होती है? केशियस निक्रोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सराउंडिंग आप देख सकते हैं ये एपिथेलॉइड सेल्स हैं। इसके सराउंडिंग आपके पास ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियाई हैं, किस चीज के? लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। और ये यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल ये जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिंसिटियम फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें ये बहुत सारे सेल्स जो है ये आपस में गैदर अप होके एक सिंसिटियम बना देते हैं। सो दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, ठीक है। सो ये जनरलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यू कैन कॉल इट अ प्राइमरी ट्यूबरकल, ठीक है। सो इसमें यही तक ही कॉम्पोनेंट्स हैं। जब ये इमेच्योर से मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसके बाहर एक फाइब्रोब्लास्ट की लेयर भी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे बाहर एक लेयर फाइब्रोब्लास्ट की भी आ जाएगी। सो द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रैनुलोमा दे इंक्लूड एपिथेलॉइड सेल्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, लिम्फोइड सेल्स, ठीक है, निक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस। ये आप जनरल स्ट्रक्चर पढ़ भी चुके हैं जहाँ पे आपने ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन पढ़ी थी। हमारे आज के टॉपिक में इसका एज सच
वो नहीं है, कोई लिंक इस तरह से नहीं है कि हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी नहीं पढ़नी, हमने इसके कंपोनेंट्स नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ एक रिव्यू दिया है कि हमने जो चैप्टर जो आपका इन्फ्लेमेशन का चैप्टर था उसमें जो कुछ पढ़ा था उसको हमने एक क्विक रिव्यू दिया है, ठीक है. मैच्योर ट्यूबरकल हैज अ फर्म आउटर लेयर कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट सराउंडिंग द मास ऑफ मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स. केशियस सेंटर इनलार्जेस बाय द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन फॉर्मिंग अ ट्यूबरकुलस कैविटी इन विच द बेसिलाई मल्टीप्लाई. ठीक है, अब ये डिजीज जो है ये क्रॉनिक की तरफ जा रही है. ठीक है, तो जो इमेच्योर ट्यूबरकल था वो मेच्योर हो गया है. ठीक है, अब इसके सेंटर में लिक्विफिकेशन हो गई है, कैविटी फॉर्मेशन हो गई है. ये लिक्विफिकेशन तब तक होती रहती है जब तक ये ट्यूबरकल रप्चर नहीं कर जाता, और जब ये ट्यूबरकल रप्चर कर जाता है तब ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है. ठीक है, बेसिलाई जो है ये स्पिल हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, डिसेमिनेट हो सकते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो, और फिर बॉडी के दूसरे कॉम्पोनेंट्स तक भी जा सकते हैं थ्रू द हेमाटोजेनस रूट या फिर इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड्स. अच्छा, अब स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी अकर्स बाय टू मैकेनिज्म्स. या तो ये ट्यूबरकल इरोड करके ब्रोंकस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसका केशियस कॉन्टेंट वहां पे लीक हो जाएगा, फिर ये ऑर्गेनिज्म लंग के दूसरे पार्ट में फैल जाएंगे. और अगर ये स्प्यूटम जो है ये पेशेंट अपना स्वालो कर लेता है तो ये जीआईटी में भी रीच कर सकते हैं. और अगर पेशेंट वो स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेट कर देता है, ठीक है, यानी थ्रू आउट कर देता है, तो फिर जो उसके सराउंडिंग एरिया में जो लोग होंगे वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं. सेकंड क्या है कि ये डिसेमिनेट हो सकता है ब्लड स्ट्रीम से दूसरे ऑर्गन्स में. ठीक है, ये जो डिसेमिनेशन है ये अर्ली स्टेज पे भी हो सकती है अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो है किसी की. ठीक है, और अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो फिर कुछ टाइम के लिए ये इनिशियल इन्फेक्शन जो है ना ये बॉडी के अंदर कंटेन हो सकती है. ठीक है, और कुछ फिर दोबारा जब वो इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा किसी भी वजह से, या उसको कोई और क्रॉनिक डिजीज हो चुकी होगी, उसकी इम्यूनिटी किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो दोबारा से इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है. सो दिस इज कॉल्ड रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस, कि वो एक टाइम पे थी फिर वो डोरमेंट हो गई, और जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम हुई तो वो दोबारा से फुल अकर कर गई. ओके, सो ये एक छोटी सी समरी है जिसमें हम बस मामूली सा इसमें हम देखने लगे हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है इसमें क्या डिफरेंस होते हैं. सबसे पहले तो एक जो है ना, जो इसके लियंस होते हैं ना उसमें एक डिफरेंस होता है. जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है अमूमन वो जो अपर लोब ऑफ लंग का जो है ना, आप समझ सकते हैं कि लोअर हाफ, और जो लोअर क्वाड्रेंट है इसका अपर हाफ. ठीक है, अपर का लोअर और लोअर का अपर. ठीक है, ये एक लोकेशन यहाँ पे आगे ऊपर चल रही है, यहाँ पे जो प्राइमरी लियन बनती है. ठीक है, और अगर इस लियन के साथ, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये ग्रैंडोमा बन गया, ट्यूबरकल बन गया. ठीक है, अगर इस लियन के साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाता है, इस प्राइमरी लियन को हम कहते हैं गॉन फोकस. ठीक है, और ये गॉन फोकस कहाँ पे होता है? प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का जो गॉन फोकस है वो किस जगह पे मौजूद होता है? अपर लोब के लोअर एंड पे, या लोअर लोब के अपर एंड पे. ठीक है, और जब इस गॉन फोकस के साथ जो है इसकी ड्रेनिंग लिम्फ नोड भी शामिल हो जाती है तो अब हम इसको कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये गॉन फोकस और गॉन कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा. ठीक है, इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा. अमूमन जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है वो अपर लोब में होती है. ये देखें, ये एपाइकल एरिया में, यहाँ पे सेकेंडरी होती है. ठीक है, ये हमने सिर्फ लियंस ही देखी है. ओके, सो अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों इसमें? जो टिपिकल पिक्चर है वो तो यही है कि फीवर, ठीक है, ईजिली फटीग हो जाती है, और नाइट स्वेट्स. ठीक है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है. मतलब इतना वेट लॉस होगा कि आपका पेशेंट आपको खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे पिछले कुछ अरसे में जो है ना मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे कपड़े खुले हो गए हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि वजन बहुत कम हो रहा है. ठीक है, और समटाइम्स आपके पास रिकॉर्ड भी होता है कि जी प्रीवियसली ये 6 महीने पहले या 1 साल पहले इस पेशेंट का इतना वेट था, और 1 साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या 2 महीने के दौरान इसका वजन जो है वो रिलेटिवली कम होता जा रहा है. ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इट कॉजेज कॉफ एंड हेमोप्टिसिस. ठीक है, तो इसमें कॉफ भी है और ब्लड स्टेन स्प्यूटम भी है. अच्छा,
फिर फर्दर हमारे पास और क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हो सकती है, स्कॉफ्यूला. एक स्कॉफ्यूला की टर्म आपके बुक में यूज की गई है. इस ये क्या चीज है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियल सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस. जो नेक के लिम्फ नोड्स हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इनलार्ज होते हैं और मेटेड अपेयरेंस होती है. स्वोलन नॉन टेंडर लिम्फ नोड्स यूजली एक साइड पे, जिस साइड पे इन्फेक्शन होगा उस साइड पे वो लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे. लिम्फ एडिनाइटिस इज मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस. फिर एक और टर्म आपके बुक में यूज हुई है, मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस. इसमें क्या होता है, मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस में डिसेमिनेशन है जनरलाइज्ड, ठीक है, मल्टीपल डिसेमिनेटेड लियंस दैट रिजेंबल द मिलेट सीड्स, ठीक है. तो ये सीड्स की तरह से पूरी डिसेमिनेटेड होती है. इसकी मैं भी आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ मिलेरी ट्यूबरक्यूलोसिस की, ये दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो. ट्यूबरक्यूलस मेनिनजाइटिस भी हो सकता है, ट्यूबरक्यूलस ऑस्टियोमेलाइटिस भी हो सकता है, वर्टिब्रल ऑस्टियोमेलाइटिस, पॉट्स डिजीज भी इसको कहते हैं. ये इसकी इंपॉर्टेंट डिसेमिनेटेड फॉर्म्स है. वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन वो ये है कि ट्यूबरक्यूलोसिस बच्चों हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन की ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ओरल कैविटी में, ये देखें ये यहाँ पे आपको अल्सर्स बने हुए ये नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये जो लियंस हैं इनकी आप बायोप्सी लोगे, ठीक है, इनकी आप बायोप्सी लोगे सेंड करोगे तो इसमें ज्यादा चांस ये है, क्योंकि ये ट्यूबरक्यूलोसिस है तो इसमें आपको ग्रैंडोमा फॉर्मेशन नजर आएगी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट की टंग इन्वॉल्व है, ठीक है. सो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकती है. अच्छा, समटाइम्स ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास पेशेंट आया है मेनिनजाइटिस के साथ, आपने उसके इन्वेस्टिगेशंस रन किए हैं, सीएसएफ भेजा तो उसमें जो है ट्यूबरक्यूलोसिस आ गई है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर इज एनहांसमेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे आपको इस एरिया में नजर आ रहा है, ठीक है. स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकती है, ठीक है, ये एरिया है जो इन्वॉल्व है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वर्टिब्रल एरिया इज इन्वॉल्व. फिर ट्यूबरक्यूलोसिस कैन अकर इन द आई, ठीक है, इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ देखें इनकी डिटेल, ठीक है, और इसी तरह से ये इसके ब्रेन की इमेजिंग में भी नजर आ रही है. जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? देन This is the ear of a patient, ठीक है, और ear के अंदर भी आप देख सकते हैं कि tuberculosis occur कर सकती है. Then one of the most common presentations is tuberculosis, which is present in the lung, pulmonary tuberculosis. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपको area नजर आ रहा है fibrosis हुई है. Then tuberculosis of the GIT, it is very very common, ठीक है, जो GIT की tuberculosis है ये भी बहुत कॉमन है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है इंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस. ओके, सो अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस की जो हमारे मुल्क में काफी कॉमन है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस. तो ये जो है ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक पॉजिटिव एजेंट है. कैसे होती है, व्हेन इट इज स्वॉलोड आफ्टर बीइंग कॉफ्ड अप फ्रॉम अ लंग लियन, यानी कि प्राइमरी लंग लियन थी, पेशेंट ने जो स्प्यूटम है उसको इंजेस्ट कर लिया किसी वजह से और इसकी वजह से इंटेस्टीन में भी इन्फेक्शन डेवेलप कर लिया. या सेकेंडली क्या हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है. सो इंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस के आपको दो पॉजिटिव एजेंट पता चल गए, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है तो ये उन लोगों में होगा जिनमें प्राइमरी लंग लियन है और स्प्यूटम जो है वो अपना इन्फेक्टेड स्प्यूटम उस पेशेंट ने स्वालो कर लिया है और उसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन डेवेलप हो गया. या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि कैटल में होता है, ठीक है. सो व्हेन इट इज इंजेस्टेड इन अनपास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि पास्चराइजेशन की बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है, कि हमारे पास बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ मिल्क पास्चराइजेशन के जरिए से, ठीक है. हाउ विल दिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन सम केसेस, इसमें हेमरेज भी हो सकता है और आईलियोसीकल रीजन जो है ये ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होता है.
ठीक है. अच्छा, प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस की हम बात कर रहे थे अपर लोब के लोअर एंड पे या लोअर लोब के अपर एंड पे, ठीक है, दिस इज प्राइमरी. और मिलेरी ट्यूबरक्यूलोसिस की हमने बात की थी, ठीक है, जनरलाइज डिसमिनेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको इस सीड से रिजेम्बलेंस दी थी, मिलेट सीड से, ठीक है. तो आप देख सकते हैं छोटे 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 दाने जिस तरह होते हैं उस तरह से ये पूरे लंग के अंदर आपको डियर नजर आ रही है. अच्छा, अब हमारा हमारे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि एक फेवरेट क्वेश्चन है इन द एग्जाम्स, आपके हाउस एग्जाम्स में भी और आपके जो यूएचएस के एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी डिजीजेस कॉमन है, और स्पेशली वो डिजीजेस जो कि ट्रीट नहीं हो पा रही, ठीक है, उनकी पैथोजेनेसिस, उसमें विडलेंस, ठीक है, या जिनको क्योर नहीं किया जा सक रहा किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, फॉर एग्जाम्पल पोलियो, फॉर एग्जाम्पल डेंगी, हेपेटाइटिस, एचआईवी, ठीक है, एंड डेफिनेटली समथिंग अबाउट कोरोना. जब हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने इस टॉपिक को एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. लेकिन जो भी चीज मलेरिया, ठीक है, टाइफॉइड, जो आपके मुल्क में जो डिजीज कॉमन है उसको कभी भी, ये गलती मत कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में उसको आपने कभी भी चॉइस में नहीं छोड़ना, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप बीडीएस कर रहे हो. लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट का वो पार्ट है और आपके रीजन में वो डिजीज कॉमन भी है तो आपने उसको कभी भी उसको जो है ना वो ऐसे नहीं करना कि आप उसको इग्नोर कर दें, आप सुपरफिशियल पढ़ लें और आप समझें कि बस ठीक है ये तो हो ही जाएगी गो थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपसे लाजमी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है. यस, कोरोना डेफिनेटली. ओके, सो ट्यूबरक्यूलोसिस का जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि इतनी नो हाउ अब थोड़ी थोड़ी बच्चों को होती है कि ट्यूबरक्यूलोसिस की एक इम्पॉर्टेंस ये है. हमने कहा कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते, इजिली डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट में भी नहीं होते और इजिली डिस्ट्रॉय विद इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल भी नहीं होते. वो क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारी तरह की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट ड्रग्स के अगेंस्ट भी डेवलप कर लिया है. जेनेटिकली ये रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हुए हैं और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो एक टाइम पे, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो एक टाइम पे समझा जाता था कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यही काफी हैं, तो वो अब अकेली काफी नहीं है. नाउ वी आर अप टू अ स्टेज के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस इमर्ज कर चुकी हुई है और अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है. ऑल्दो इट इज इजिली क्योरेबल, ठीक है, पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं ठीक होता वो हम अभी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें रीजंस क्या है. अभी हमने पहले ये डिस्कस करना है कि हम इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, ठीक है. तो आपके पास फिर जो हमारा टिपिकल पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं लैब डायग्नोसिस के लिए, बच्चों बुक में जो है ना ये बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि आपने उनमें से क्या पॉइंट्स हैं जो जरूरी डिस्कस करनी है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैंपल कौन सा आप लोगे. अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है, पेशेंट को कॉफ हो रही है, हेमोफिलिसिस हो रही है, तो आपने स्प्यूटम का सैंपल लेना है. अगर जीआईटी सिम्टम्स हैं उसके, तो आपने जब उसकी एंडोस्कोपी की है, गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी आपने की है, तो आप उसकी बायोप्सी लेंगे, ठीक है. और जब अगर पेशेंट लेट से मेनिंजाइटिस के साथ किसी पेशेंट ने प्रेजेंट किया है और आपने रूल आउट करना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं है, तो आप उसका सीएसएफ सैंपल ड्रॉ करेंगे, उसको आप सेंड करेंगे. तो चूंकि ट्यूबरक्यूलोसिस बॉडी के किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकती है और प्रेजेंट कर सकती है, लेट से कि हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, चूंकि हम डेंटिस्ट्री के हिसाब से बात करें, तो ओरल कैविटी में आपने देखा कि अगर कोई लियन है ऐसी, तो आप उसकी बायोप्सी भी ले सकते हो. जैसे आपने टंग पे देखा था उसके अंदर से कुछ एक्सुडेटिव सी सा डिस्चार्ज था, तो आप उसका स्वाब भी लेके भेज सकते हो, ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट वी हैव टू सिलेक्ट कि हमने कौन सा सैंपल सेंड करना है, ठीक है. यहाँ पे एक और चीज भी है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड आप कौन सा सैंपल ड्रॉ कर सकते हो वो तो जरूर लिखें, ठीक है.
स्टेनिंग आपने कौन सी करनी है, एसिड बाथ स्टेनिंग है या जील निल्सन स्टेनिंग है जो आपने करनी है, उसमें आपको क्या नजर आएगा, रेड कलर के रॉड्स नजर आएंगे अगेंस्ट अ ब्लू बैकग्राउंड. ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड क्यों है, बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर इंट्रासेल्युलर, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ठीक है, और इसमें जो है जो बैकग्राउंड है वो सेल का बैकग्राउंड है. ठीक है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिक्चर में. कल्चर, कल्चर किस पे करते हैं आप इसको, लिविंगस्टन जेंसन मीडियम इसके एगर का नाम है, ये आपने सबने याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, जब आपका वाइवा होता है प्रॉफ का तो उसमें ये लिविंगस्टन जेंसन मीडियम जो है ये अमूमन रखा जाता है, दूसरे कल्चर मीडिया के साथ भी. ठीक है, और आपसे पूछा भी जाता है कि इसका नाम क्या है, इसको किस बैक्टीरियम की आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस बैक्टीरिया से फिर रिलेटेड आगे आपका वाइवा प्रोसीड करता है. ठीक है, फॉर अप टू 8 वीक्स इट विल नॉट ग्रो ऑन द ब्लड एगर प्लेट, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ग्रो स्लोली. ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका डबलिंग टाइम 18 आवर्स है, इन कंट्रास्ट टू मोस्ट बैक्टीरिया अमूमन जिनका 1 आवर या उससे कम होता है डबलिंग टाइम. ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब हमने लिविंगस्टन जेंसन एगर भी यूज कर लिया है तो 6 to 8 वीक्स जो है ना वो आपको वेट करना पड़ेगा, कि अगर 8 हफ्ते तक टोटली किसी भी किस्म की कोई ग्रोथ नजर नहीं आती है तब आप इसको नेगेटिव कंसिडर करोगे. ठीक है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है. ओके, सो ये देखते हैं कि ये है ZN स्टेनिंग की एक पिक्चर है. ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप आपको इस तरह की ZN स्टेनिंग के बाद पिक्चर नजर आएगी. ये जो रेड कलर के आप रॉड्स देख रहे हो, ठीक है, दीज आर एक्चुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये बैक्टीरिया है. ठीक है, और ये जो ब्लू बैकग्राउंड है, ये जो मिथिलीन ब्लू या मेलाकाइट ग्रीन, दो जो हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं, ये उसकी वजह से बाकी सेलुलर कॉम्पोनेंट्स जो है ना ये स्टेन हुए हैं. ठीक है, सो बेसिकली वी नीड दिस कॉन्ट्रास्ट, ताकि इस कंट्रास्ट ब्लू के ऊपर ये जो बैक्टीरिया का अपना रेड कलर है ये एनहांस हो जाए. ठीक है, ओके, लिविंगस्टन जेंसन मीडियम ये आपने देख लिया. ठीक है, ये इस कलर का मीडियम होगा इन ए टेस्ट ट्यूब. ठीक है, और वो ऊपर से या बॉटल में भी हो सकता है, समटाइम्स बॉटल्स में होता है और ऊपर से वो टाइड अप होती है, क्लोज्ड होती वो बॉटल्स. ठीक है, तो ये आपको ग्रोथ नजर आ रही है इसके ऊपर. ठीक है, दीज आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कॉलोनीज, जो कि इस कल्चर मीडियम के ऊपर कॉलोनीज आपको नजर आ रही है. ओके, जो बायोकेमिकल टेस्ट है उसमें नियासिन प्रोड्यूस करता है, उसमें कैटलेस पॉजिटिव है. न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, क्या चीज डिटेक्ट करेंगे उनसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का आरएनए या डीएनए. मॉलिक्यूलर टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, इनसे हमने क्या करना है, म्यूटेशंस को डिटेक्ट करना है. म्यूटेशंस जो है वो किस चीज के लिए होंगी, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए होंगी डेफिनेटली. ठीक है, सो इसमें एक कैटलेस जीन है जो कि आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस को मीडिएट करती है, और एक आरएनए पॉलीमरेज जीन है जो रिफैम्पिसिन से, ये रिफैम्पिन से रेजिस्टेंस को मीडिएट करती है. ठीक है, ये आप ये देख लीजिएगा, दो तरह के म्यूटेशंस हैं जो इनमें डिटेक्ट की जाती हैं, और इसका जो लैब डायग्नोसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपने एक दो टेस्ट नहीं लिखने, इसमें आपने ये सारे टेस्ट लिखने होते हैं. अच्छा, ल्यूसीफेरेज से, ठीक है, इसमें ये आप देख लें, एक फायर फ्लाई की पिक्चर बनी हुई है. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, छोटा सा आसान सा है, ये अमूमन बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली फायर फ्लाई जो है ना इसके पास एक एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज. ठीक है, इसकी मदद से हम क्या चीज डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि मल्टीपल ड्रग से या किसी स्पेसिफिक ड्रग से रेजिस्टेंट है, वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हमने आइसोलेट करने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं. तो जो फायरफ्लाई का एंजाइम है ल्यूसीफेरेज, ये कैसे हेल्प करता है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फायरफ्लाइज दैट प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी प्रोडक्शन जब होती है तो ये एंजाइम जो है, ये जो फायरफ्लाई से आइसोलेट किया गया है, ये लाइट या कलर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा बेसिकली. अगर आपने मीडियम के अंदर बैक्टीरिया एंटर किए, उसके अंदर ड्रग एंटर की, अगर ड्रग ने बैक्टीरिया को किल कर दिया या बैक्टीरिया जो है वो उससे रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होगा. अगर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट होगा, किसी भी किस्म का इफेक्ट ड्रग का नहीं हो रहा होगा, तो लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस करेगा, उस एटीपी की वजह से ल्यूसीफेरेज एंजाइम जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, जो लाइट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म अगर सेंसिटिव होगा ड्रग से, ड्रग उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होगा, एटीपी कम बनेगा क्योंकि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो कम लाइट प्रोड्यूस होगी. सो ये सिंपल सा आसान सा
मैकेनिज्म है इसका इजी टू रिमेम्बर, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे आप ना याद कर सकें। अच्छा, अब जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ रहा है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे इसको इंटरप्रेट गलत करते हैं। तो बच्चों, इसकी आसान सी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लेंगे, इसको याद रखेंगे। बुक में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करके लिखी हुई है, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है ये, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया है कि इनकी बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कुछ वैक्सीन के साथ मिलके डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जनरेट करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ये जो प्रोटीन्स हैं, इनको प्यूरिफाइड फॉर्म में होस्ट बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जस्ट बिलो द स्किन, द डर्मल लेयर। और 48 आवर्स के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस एरिया में जहाँ पे हमने मार्क किया था, वहां पे आपने उस एरिया में ऑब्वियसली आपने एक मार्क भी लगा देना है, आपने टाइम भी लिख देना है कि लेट से मैंने 17 जून को सुबह 10 बजे मैंने इस पेशेंट का ये टेस्ट कंडक्ट किया है, और उस एरिया को आपने मार्क कर देना है। अब 48 आवर्स के बाद आपने उस एरिया को दोबारा विजुलाइज करना है, और उसमें अगर कोई इंड्यूरेशन या स्वेलिंग हो रही है तो उसको आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट ले लेनी है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ठीक है, ये प्यूरिफाइड प्रोटीन है और ये इंट्राडर्मली इस पेशेंट को इंजेक्ट की जा रही है। अब क्या होगा 48 आवर्स के बाद, ये देखें, ये डर्मल लेयर तक इसको लेके जाना है आपने, यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, आपने यहाँ पे इस लेयर के लिए। अब ये तीन तरह की पिक्चर हो सकती है जो 48 आवर्स के बाद आपको देखने को मिले, ठीक है। मामूली सी इंड्यूरेशन हो सकती है, थोड़ी सी दरमियानी सी हो सकती है, और थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट इसलिए लेनी होती है क्योंकि ये आप इस तरह से नेकेड आई से देख के इस तरह से आप असेस नहीं कर सकते कि ये कितने मिलीमीटर है। सो वी नीड द एक्यूरेट मेजरमेंट्स ताकि हम बता सकें कि ये पेशेंट कौन सी कैटेगरी में है और इसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखें 5 to 9 मिलीमीटर है अगर पेशेंट कैटेगरी 1 में है तो इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, 10 to 14 है अगर कैटेगरी 2 में है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है, और ग्रेटर देन 15 अगर कैटेगरी 3 में है तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैटेगरीज क्या है। एक ऐसा इंसान है जिसमें कोई भी नोन या डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर नहीं है टीबी के लिए, जितने हमने पढ़े थे, ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ना उसकी इम्यूनिटी लो है, ना उसका कभी एक्सपोजर हुआ है कभी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड किसी पर्सन के, किसी किस्म का नहीं, ना वो एचआईवी है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जो हम जानते हैं। तो उसमें हमने अगर मामूली स्वेलिंग होगी तो हमने कुछ नहीं कंसिडर करना, अगर 15 मिलीमीटर से बड़ी, काफी बड़ी स्वेलिंग बन जाती है फिर हम कहेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्ट्रेरी एक पेशेंट है जिसमें कोई ऐसी किसी ऐसी जगह से ट्रेवल करके आया है पिछले कुछ अरसे में जहां पे टीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है, या आईवी ड्रग अब्यूजर है, या कोई ऐसा लैब पर्सनल है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डील करता है लैब में, ठीक है, या फिर उसकी जो है ना वो किसी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी कम हो सकती है, या उसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, छोटे बच्चे हैं, इनमें अगर 10 मिलीमीटर तक स्वेलिंग होगी तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे इन लोगों में, ठीक है। 10 मिलीमीटर की स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आईवी ड्रग यूजर है, ठीक है, या ये कि इसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 10 मिलीमीटर की स्वेलिंग उस वक्त पॉजिटिव समझी जाएगी जब इनमें से कोई भी फैक्टर्स आपको हिस्ट्री से पता चले, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, या उसके घर में किसी को टीबी है, या उसके एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे पे कोई नोड्यूल आ गया है, या उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इस पेशेंट में छोटी सी भी स्वेलिंग होगी ना तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी हिस्ट्री में इनमें से कोई कॉम्पोनेंट है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, या टीबी पेशेंट के साथ रिसेंट कॉन्टेक्ट हुआ है, या चेस्ट एक्सरे पे कोई उसकी फाइब्रोटिक चेंजेस आई हैं या नोड्यूल आया है, तो छोटी सी भी स्वेलिंग, 5 mm बहुत छोटी स्वेलिंग होती है, 15 mm उसके मुकाबले में काफी बड़ी स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो मामूली सी स्वेलिंग को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस पेशेंट को टीबी तो नहीं है, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन याद रखिएगा, ये बुक में से आप लोग उल्टी पढ़ लेते हो, 5 mm की स्वेलिंग का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एचआईवी पॉजिटिव है अगर पेशेंट, तो इतनी सी स्वेलिंग भी पॉजिटिव कंसिडर होगी,
ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे हम। पॉजिटिव स्किन टेस्ट, अब हमने कहा हम पॉजिटिव लेंगे किन कंडीशन। पॉजिटिव स्किन टेस्ट क्या बताता है? प्रीवियस इन्फेक्शन बताता है, या अगर किसी पेशेंट का कोई एक्सपोजर हुआ है या उसकी वैक्सीनेशन हुई भी है तो इन लोगों में भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। फर्दर इसमें एक और टेस्ट है, इंटरफेरोन गैमा रिलीज। इसमें क्या है कि ब्लड सेल्स हम पेशेंट से लेके इनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज करते हैं और जो इंटरफेरोन गैमा रिलीज होता है उसको मेजर कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी आपने यूज करनी है। अमूमन 6 से 9 महीने के लिए ट्रीट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट बिकम रेजिस्टेंट टू वन ड्रग, इनको हम अमूमन आर इनहिबिटेड, मे बी इनहिबिटेड बाय द अदर, तो हम इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। 4 ड्रग्स हैं, आइसोनियासिड, रिफैम्पिन, पाइरिजिनामाइड, इथंबुटोल, जो पहले 2 महीने के लिए देते हैं। फिर 2 ड्रग्स हैं, आइसोनियासिड और रिफैम्पिन, जो कि हम आगे फर्दर 4 माह के लिए देते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है नॉन कम्प्लायंस। नॉन कम्प्लायंस का क्या मतलब है? चूंकि एक लंबे अरसे के लिए दवाई खानी पड़ती है, इससे बहुत सारे मरीज जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। तो आपने पेशेंट को हमेशा काउंसिल करना है। लेट से उसकी ओरल कैविटी में लियन है, लेट से उसके हेड एंड नेक के लियन में कहीं पे भी कोई लियन है, जो जहां पे भी आपने डायग्नोस की है, आपने उसको हमेशा काउंसिल करना है कि दवाई ज्यादा टाइम खानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी कोई भी खुराक छोड़ देंगे तो आपको दोबारा सारा कोर्स शुरू करना पड़ेगा। इसका हल WHO ने ये निकाला है कि डॉट्स के नाम से, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, DOTS के नाम से ये स्टार्ट की है, जिसका बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये पेशेंट अपनी दवाई में किसी भी किस्म का गैप ना दे, ठीक है। सो लास्ट हमारे पास क्या चीज है? प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन के बारे में आपको लाजमी आना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं। इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है वैक्सीन। BCG वैक्सीन हर बच्चे को लगाई जाती है जब वो पैदा होता है, ठीक है, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। WHO ने इसको रेकमेंड किया हुआ है। हमारे पास जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, EPI शेड्यूल, उसमें BCG एट बर्थ हर बच्चे को लगाई जाती है, ठीक है। और आप में से बेशतर लोगों के भी अपर आर्म पे जो है, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल है आपका, वहां पे एक छोटा सा स्कार होगा जो कि बेसिकली BCG वैक्सीन या ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट आपकी वैक्सीनेशन एट बर्थ हुई होगी, ठीक है। द वैक्सीन कंटेन्स अ स्ट्रेन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड M. bovis कॉल्ड द बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियम, ठीक है, इस वैक्सीन में हम इंजेक्ट करते हैं। इट इज एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। अच्छा, सेकेंड जो मेथड है वो क्या है? इंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस की खासतौर पर जब हम बात करते हैं, मिल्क पैस्चराइजेशन इजी और जो आसान और सिंपल तरीका है जिसके जरिए से आप इंटेस्टिनल ट्यूबरक्यूलोसिस को रोक सकते हैं वो ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमेशा पैस्चराइज मिल्क से बनने चाहिए, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक? जो कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं रह गया जो आपको समझ नहीं आया? ऑल्दो वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 मिनट्स, स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि बच्चों टॉपिक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है और अभी मैं आंसर नहीं भी कर पाती, जस्ट राइट इट डाउन, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलेरिया टीबी है डिसिमिनेटेड ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि पूरे लंग्स में स्प्रेड हो जाएगी। पहले हमने पढ़ा कि एक फोकस बना हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस में, एक फोकस बना हुआ है कहाँ पे? अपर लोब के लोअर एंड पे या लोअर लोब के अपर एंड पे। तो वो एक सिंगल ट्यूबरकल था, ठीक है। जब वो ट्यूबरकल रप्चर होंगे तो वो डिजीज डिसिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। जब वो वहां से रप्चर होंगे, कैविटेशन लिक्विफिकेशन हो गई सेंटर में, ठीक है, अब वो रप्चर हो गए और उन्होंने इसको फैला दिया पूरे लंग्स में। लंग पैचेस, हाँ ये टाइनी पैचेस की तरह ही हैं, लेकिन वो सीड्स जैसी अपीयरेंस है, बड़े बड़े पैचेस नहीं है। When do symptoms appear after being infected with it? Okay. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो नेक्स्ट 2 to 4 weeks होंगे, जिसमें जब पेशेंट ने बैक्टीरिया को एक्वायर कर लिया है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज होगी के जो फर्स्ट 2 to 4 weeks होंगे उसमें बॉडी अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से कोशिश करेगी कि बैक्टीरिया को खत्म कर दे, ठीक है। अगर इम्यूनिटी इंटैक्ट होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फेक्शन फर्दर ना फैले, ये कंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगी तो 2 to 4 weeks पास हो जाएंगे तो उसके बाद इसके सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 months के बाद भी, ठीक है, पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स ब्रीफ एक्सपोजर के बाद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। Okay. Any other thing?
और समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक डिजीज रह जाए, ठीक है, कि सालों तक पता ही ना चले या महीनों तक पता ही ना चले, पेशेंट खुद से भी इस चीज को इतना एक्नॉलेज ना करे कि उसका वेट लॉस हुआ है या जो कुछ भी है, ठीक है. तो समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि उसको एज सच कोई सिम्टम भी ना हो और वो प्रेजेंट भी ना करे, और एक्सीडेंटली हम किसी और वजह से कोई किसी और डिजीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो समटाइम्स देयर इज अ लंग पैच. ऐसा भी होता है कि साइलेंट डिजीज होती है और एक्सरे किसी और वजह से किया जाता है और उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस निकल आती है. यस, ठीक है, ये जो पैचेस बन जाएंगे, यस इट मींस कि इसमें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है. ओरल टीबी, यस इट मे बी कॉमन, लेकिन जो पिक्चर्स हमने देखी है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसी तरह ही हो, ठीक है. ऑब्वियसली मैं सारी पिक्चर्स तो नहीं लगा सकती थी, नेट पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए. लेकिन बेसिकली इस तरह भी हो सकता है कि वो एक छोटा सा ओरल अल्सर हो, ठीक है. हमने जो देखी है पिक्चर्स वो जरा डिफरेंट है, एक में टंग इन्वॉल्व हुई हुई थी, एक में जो है वो हाँ जी, एक में वैसे म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट थी, मल्टीपल लियंस थे, ठीक है. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं दो फॉर्म्स में प्रेजेंट करे, ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल छोटा सा अल्सर टंग की साइड पे बना हुआ हो या ओरल कैविटी के म्यूकोजा में कहीं पे भी बना हुआ हो, और जब आप उसकी बायोप्सी सेंड करो तो आपको पता चले कि दैट वॉज ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन राइट देम डाउन एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन इन द फर्दर लेक्चर्स, ठीक है. अब आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया है, हम इसको वाइंड अप करते हैं. येस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम लंग्स टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.